यहाँ पर आपको बताएं कि मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और जेहलम में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जातला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि जलजले के झटके महसूस किए गए और शहरी बाहर आ चुके हैं। शिद्दत खासी ज़्यादा लग रही है, जिस तरीके से गाड़ी को हिलता हुआ देखा जा सकता है। बात करेंगे, सज्जाद जर्राल हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, आगाह कीजिएगा कि फिर से जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जी, अभी कुछ देर पहले जो ना एक शदीद जलजले का झटका महसूस हुआ है, जिससे जो ना शहरी जो ना कलमा का विरोध करते हुए सड़कों पे आ गए हैं और बच्चे इसी को पुकार कर रहे हैं कि दो रोज से वक्फे से ये झटके जो ना आफ्टरशॉक्स आ रहे हैं। लेकिन जो अभी ये झटका महसूस हुआ, इतना सख्त था कि लोगों को निकल गई कि अचानक वो अभी पुराने शाख से नहीं निकले थे। एक नया जलजले का झटका हुआ है, लेकिन अभी जो मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक लोगों का खौफ आयास फैला हुआ है और लोग सड़कों में बाहर निकले हुए, अपने बिल्डिंगों से दफातर से बाहर निकले हुए हैं। और आज जो सरकारी जो स्कूलों में और दूसरी जो प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी थी, बच्चे घर पे थे, लेकिन फिर भी खौफ और आस का जो मंजर है यहाँ पे। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा सज्जाद। आप जेहलम का रुख करेंगे, वहाँ पर रियाज गोंदल मौजूद है। रियाज, कहिएगा, जेहलम मरकज पहले बताया गया था, अभी कुछ मरकज का तायुन हो सका? जेहलम में कितने सख्त झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, दो रोज पहले आने वाले शदीद जलजले के बाद आफ्टर शॉक का सिलसिला जो है अभी तक जारी है। अभी थोड़ी देर पहले जेहलम और गिरदो नवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटकों से लोगों में शदीद खौफो हरास फैल गया और लोग घरों दफ्तरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। दो रोज पहले की तरह आज भी जलजले का मरकज जेहलम, मीरपुर, आजाद कश्मीर बताया जा रहा है। जी ठीक है, रियाज ये भी आगाह कीजिएगा, मीरपुर से सज्जाद ने हमें आगाह किया कि खुदा का शुक्र है अभी तक कोई जानी नुकसान या किसी इमारत के गिरने की जो है या कोई दरार पड़ने की तफसीलात मौसूल नहीं हुई। जेहलम में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मेरी जो जिली इंतजामिया से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि हमने जो मैसेज है वो जारी कर दिया है कि अगर किसी इलाके में कोई ऐसी इतला जहाँ पे कोई दीवार या मकान गिरने की, अभी तक सरकारी सतह पे भी कोई इतला नहीं है और ना ही हमारे किसी जराये ने इस बात की तस्दीक की है, किसी जगह पे कोई नुकसान की अभी तक इतला मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है, रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जलजले की शिद्दत की बात करें तो जो दो रोज कबल जलजला आया था उससे आधी शिद्दत का ये जलजला था, 4.4 शिद्दत का ये जलजला था और गहराई भी जो दो रोज पहले जलजला आया था उससे ज्यादा है। 12 किलोमीटर गहराई बताई जा रही है। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक 4.4 शिद्दत का जलजला था और गहराई 12 किलोमीटर थी। आपको बता रहे हैं कि मरकज जेहलम से 6 किलोमीटर दूर था। जलजला पैमा मरकज की जानिब से ये कंफर्मेशन की गई है। आपको बता रहे हैं कि मीरपुर, आजाद कश्मीर और जेहलम में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। 4.4 रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जातला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। हमारे नुमाइंदगान सज्जाद जर्राल जो मीरपुर, आजाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद थे, और रियाज गोंदल जो जेहलम से हमारे साथ मौजूद थे, दोनों ने आगाह किया। आपका शुक्रिया।